जमशेदपुर में इन दिनों तापमान बढ़ता ही जा रहा है। पारा 40 डिग्री को छू चुका है। ऐसे में लोग खुद को लू के चपेटों से बचाने में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर बाजार में नल लगे हुए घड़े और सुराही बहुत डिमांड में है। यहाँ पे किस किस तरह के सुराही और घड़े हैं? अभी अधिकांश तो नल वाला ही घड़ा सब बिक्री होते हैं। घड़े में भी नल लगे हुए हैं, टंकी में भी नल लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि हर साल के कंपैरिजन में इस साल डिमांड कैसा है घड़े का? मार्केट में औसत जैसा डिमांड होना चाहिए उसी सब 220। दिस इज बिजनेस। फिर भी ऐसा नहीं है, हम लोग को तो माल मिल ही नहीं रहा। और रहा फ्रिज का बात, मिट्टी की बात, तो मिट्टी में जो पानी में स्वाद है वो फ्रिज में बहुत सारी बीमारी भी होती है, पर मिट्टी में नहीं होती, मिट्टी नेचुरल है। अगर हम प्लास्टिक के बॉटल्स खरीदते हैं तो इसे बड़ी बड़ी कंपनीज को फ़ायदा होता है, पर उसी जगह अगर हम मिट्टी के बर्तन या बॉटल्स खरीदते हैं तो इससे पूरे समर हमें फ़ायदा मिलता है। प्लस वोकल्स फॉर लोकल्स को भी बढ़ावा मिलता है और इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। और वैसे भी देश की मिट्टी से जुड़कर किसे सुकून नहीं मिलता। तो इस गर्मी प्यास बुझाइए इस शुद्ध घड़े के पानी से। हैप्पी अर्थ डे।